हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, ये लास्ट पोर्शन है रिलेशन एंड फंक्शन का। इस पे मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो इससे पहले हम देख सके थे जब ऑपरेशन होते हैं रियल फंक्शन पे, उन पे रियल जैसे प्रोडक्ट करते थे हम, एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, कोशेंट निकालते थे। तो उसमें क्या था, हम क्या करते थे, एफ एक्स और जी एक्स की कॉमन डोमेन देखते थे जो नया फंक्शन बनता था। ठीक है, यही काम यहाँ पे करना। देखो यहाँ पे दो दो या तीन तीन चार चार फंक्शन जितने भी आ जाए सबकी कॉमन डोमेन देखनी है बस। तो यहाँ पे देखो, एक फंक्शन तो ये हो गया, एक हो गया ये, तो इसकी डोमेन निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, जो फिर क्या कर देंगे, उन दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, जो इंटरसेक्शन होगा वही क्या हो जाएगी, ओवरऑल डोमेन हो जाएगी। तो ये इस वाले फंक्शन को, ये वाला फंक्शन क्या कहेगा, मुझे एग्जिट होने के लिए, अगर मुझे एग्जिट होना है तो मुझे क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वाला क्या कहेगा, क्योंकि मैं डिनोमेटर में हूँ लेकिन मैं जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, अगर मैं जीरो हो गया तो ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा और मैं इस मेरी वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए क्योंकि मैं रूट के अंदर हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू फोर आई, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कॉमन डोमेन क्या। चलो इस वाले को मैं ड्रॉ करता हूँ पहले, ये इसके रूट क्या आएंगे, माइनस वन और वन, माइनस वन और वन। ठीक है, इसको मैंने ओपन क्यों रखा, क्योंकि अगर मैं वन डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वन वन डालने पे क्या इनफाइनाइट दे देगा। ठीक है, इसलिए ओपन रखा। तो वन से वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू डालो, टू डालो तो ये थ्री हो जाएगा, ये बनाएगा, यानी टू वन से बड़ी वैल्यू डालने पे ये पॉजिटिव देगा। माइनस वन और वन के बीच में कोई वैल्यू डालो, जीरो जीरो डालो तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस वन। तो माइनस वन और वन के बीच में वैल्यू डालने पर क्या देगा, ये माइनस। ठीक है, माइनस वन से छोटी वैल्यू डालो कोई, माइनस टू डालो, माइनस टू ये हो गया माइनस वन और ये हो गया माइनस थ्री। ठीक है, अगेन ये क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू। हमारा फंक्शन क्या कहता है कि हमारी जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो हमारी डोमेन क्या आएगी इस वाले फंक्शन के लिए, ठीक है, पॉजिटिव वाला रीजन। ठीक है, अब कॉमन डोमेन बताने, ये क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू फोर होनी चाहिए, तो यहाँ लेस देन इक्वल्स टू फोर के लिए बनाओ, ये वन है, फोर कहीं आ गया होगा और फोर की वैल्यू इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इंक्लूड के लिए करने के लिए बोला उसने, इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। ठीक है, तो लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट, ये माइनस इन्फिनिटी है इधर, यहाँ ये माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन रीजन देखो, कॉमन रीजन क्या दिख रहा है मुझे, जब जब मैं इससे आगे जा रहा हूँ, ठीक है, कॉमन रीजन एक तो मुझे ये वाला दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, ये भी इसका रीजन, और ये यहाँ तक तो आ ही रहा ऐसे ही, यहाँ तक ये फोर तक, फोर के आगे ये नहीं है, ये है, लेकिन क्या होगा, हमारा कॉमन रीजन क्या रुक जाएगा, फोर पे ही रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा वन, तो एक रीजन तो ये आ गया। अगेन जब मैं माइनस वन और वन के बीच में आऊँगा, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है, इसको छोड़ देंगे, कॉमन नहीं है, माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी तक ये है, और माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी तक ये भी है। ठीक है, दूसरा कॉमन रीजन हो जाएगा ये। तो इसकी डोमेन लिखो, डोमेन क्या आ जाएगी इसकी, डोमेन लिखो, एक तो ये वाले माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, माइनस वन तक, माइनस वन लेकिन इंक्लूड नहीं है, यूनियन वन से लेके फोर तक। ठीक है, वन भी इंक्लूड नहीं है लेकिन फोर क्या है, इंक्लूड, तो क्लोज वाला ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, ये आगे कॉमन डोमेन, आगे बढ़ते हैं। चलो इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला इसमें दो फंक्शन, एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन, ये वाला क्या कहेगा, देखो मैं रूट के अंदर हूँ, रूट के अंदर भला ही हूँ लेकिन मेरी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, मैं जीरो पर भी एग्जिट करूँगा। ठीक है, तो एक्स माइनस वन की वैल्यू मेरी जीरो भी हो सकती है और मुझे चाहिए क्या, जीरो से बड़ी, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होनी चाहिए। यहाँ से सोल्व करते हैं, ये क्या कहेगा, मैं भी इस रूट के अंदर हूँ, मैं भी रूट के अंदर हूँ, मेरी वैल्यू जीरो हो सकती है और क्या होगी, ये जीरो से बड़ी हो सकती है, तो थ्री माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो,
तो ये क्या आ जाएगा, एक्स को मैं इधर ले गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 4। अगर इसको मैं बनाता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा कॉमन डोमेन में, एक्स की वैल्यू 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बना दिया 1 यहाँ पे, 1 से बड़ी यानी ये वाला रीजन, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए। तो देखते हैं 3 क्या होगी, 3 को भी इंक्लूड किया इसने, ये कह रहा है 3 से कम, तो 3 से कम ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक दिया था, ये माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब कॉमन रीजन बताओ मुझे क्या आएगा, कॉमन रीजन जो दोनों में दिख रहा हो, कॉमन रीजन बताओ दोनों में क्या है। ये यहाँ से यहाँ तक फैला, तो इससे 3 के आगे ये नहीं है, तो 3 के आगे ये भी कॉमन डोमेन भी नहीं मिलेगी हमें, तो यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन डोमेन मिल गई। ऐसे ही 1 के आगे ये नहीं है, तो 1 के आगे ये नहीं है, तो यहीं पर रोक देंगे, तो कॉमन डोमेन आ गई ये वाली पार्ट, ठीक है। तो डोमेन जो आ गई हमारी क्या आ गई, 1 को भी इंक्लूड किया है इसने और 3 को भी इंक्लूड किया, ये आ गई हमारी कॉमन डोमेन, ठीक है। आगे देखें इसी तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगेन रूट में है और डिनोमीटर में भी है, दो चीजें यहाँ पे, रूट में और डिनोमीटर में। तो रूट वाली चीज क्या बोलेगी, रूट वाली चीज बोलेगी एक ये फंक्शन है एक ये, तो ये कहेगा मेरी अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, ठीक है। उसी टाइम ये वाला क्या, पहले चलो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, ठीक है, -2 नहीं डाल सकते हम अपने फंक्शन में, लेकिन 2 डाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, इस अगर मैं इसका नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसका एक है 2, एक आएगा -2। -2 को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। -2 डालने पर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो -2 को तो इंक्लूड नहीं करना है। 2 को मैं कर सकता हूँ, एक्स में 2 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 के इक्वल, तो 2 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। तो 2 से कोई बड़ी वैल्यू डालो क्या मिलेगा, चलो मैंने 3 डाली, तो ये 3 - 2 यहाँ बच्चा 1, 3 + 2 5, तो 1/5 ग्रेटर देन 0 हो गई वैल्यू, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। -2 और 2 के बीच में कोई नंबर डालो, मैं ले लिया 0, तो मैं 0 इसमें डालता हूँ तो ये हो जाएगा -2/2, तो -1 क्या है, लेस देन 0, तो ये देगा नेगेटिव वैल्यू। -2 से छोटी वैल्यू डालो कोई, -3 डालो, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -1, -5/-1 कितना देगा, 5, तो ये देगा पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारी डोमेन क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो पॉजिटिव वाला रीजन होगा वो क्या हो जाएगी, मेरी डोमेन हो जाएगी इस वाले फंक्शन के लिए। आगे देखते हैं इसी तरह से, इसके लिए ये क्या कहेगा, मैं भले ही रूट में हूं लेकिन क्या होना चाहिए, अगेन मेरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकती है, लेकिन एक्स की जगह क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें -1 की मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा x - 1 x + 1। जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन अपोजिट हो जाता है, इसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। चलो यहीं पर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ, इसके लिए भी क्या, दो हमारे रूट आएंगे, एक ऊपर से 1, दूसरा नीचे से -1। 1 को इंक्लूड करना, +1 को, -1 को नहीं करना, तो +1 को तो इंक्लूड करना, 2 इससे पहले होगा ये, और ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन में 1 से बड़ी कोई वैल्यू डालो, 2 डालो, तो क्या मिलेगा, 2 - 1 1, 2 + 3, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 1/3, यानी ये वैल्यू क्या देगा मुझे, पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू डालो, चलो 0 डालो, 0 पर चेक करो, ये -1/1, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा, और -1 से छोटी वैल्यू डालो कोई, -2 डालो, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -2 + 1 - 1, तो -3 / -1 कितना देगा मुझे, 3 देगा, तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उसके हमारे जो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यानी नेगेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव वाला रीजन होना चाहिए, तो नेगेटिव वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, ये कॉमन रीजन। देखो बताओ मुझे क्या आएगा कॉमन रीजन, इसका क्या आएगा, ये इधर नहीं, 1 के बाद एग्जिट नहीं करता, तो 1 यहाँ पर कहीं पर होगा और -1 यहीं पर कहीं पर होगा, तो 1 के बाद ये नहीं है, तो 1 के बाद तो ये तो है लेकिन कॉमन नहीं है, ठीक है, दोनों में -1 के पीछे ये नहीं है, तो दोनों में क्या कॉमन हुआ, कुछ नहीं कॉमन हुआ, ठीक है। अगर कॉमन नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे हम,
दोनों में देखो क्या, ये माइनस वन के वन के बीच में ही है केवल, माइनस वन के और वन के बीच में ये है ही नहीं, तो दोनों में क्या हुआ, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, नल सेट। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, नल सेट। आगे देखो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन बन रहा, ये पहले इसके अंदर रूट आ रहा और ये फिर पूरे के अंदर रूट आ रहा, तो देखते हैं क्या आएगा। ये वाला अंदर वाला क्या कहेगा, देखो भाई साहब मैं रूट के अंदर हूँ और मेरी जीरो, मैं और न्यूमरेटर में हूँ, मेरी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो एक्स माइनस फोर क्या बोलेगा, मेरी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। लेकिन उसी टाइम दूसरी चीज़ क्या बोलेगी, ये वाला पूरा जो फंक्शन में लिखा हुआ है यानी एक्स माइनस थ्री माइनस टू रूट एक्स माइनस फोर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ये पूरा भी क्या बोलेगा, मेरी भी जो वैल्यू है इस पूरे रूट के अंदर जो लिखी हुई है, मेरे अंदर जो चीज़ लिखी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगेन यहाँ से सोल्व किया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू फोर आ गया। अब यहाँ से सोल्व करते हैं तो x माइनस थ्री, इस वाले पार्ट को मैं उधर ले गया तो ये मिला है टू एक्स माइनस फोर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो मुझे ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस फोर, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस सिक्सटीन, तो इधर ले आओ इसको, ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स और ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, ये आ गया एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर। यहाँ इसकी डोमेन क्या आएगी, यहाँ पे देखो स्क्वायर आ गया, अगर मैं जीरो डालता हूँ ये तब भी ट्रू कंडीशन, नेगेटिव कोई नेगेटिव नंबर डालो, माइनस वन डाला तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, ये तब भी ट्रू है। पॉजिटिव नंबर डालो तब भी ये पॉजिटिव नंबर डालने पे तो ऑलरेडी देगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमें पता है किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, इस वाले की डोमेन क्या आ गई, इसकी तो आर आ गई। ठीक है, ये कह रहा है मेरी वैल्यू चार से बड़ी होनी चाहिए, तो एक तो कह रहा है मेरी वैल्यू चार से बड़ी होनी चाहिए यानी ये वाला, दूसरा कह रहा है मेरी तो आर है भैया, मैं तो सब जगह फैला हुआ हूँ, दूसरा कह रहा है मेरी आर है। ठीक है, तो इसके आर है तो कॉमन रीजन क्या मिला मुझे, ये वाला। तो अभी मुझे कौन से की डोमेन आई है, इस वाले इसकी। ठीक है, अभी मैं इसकी सोल्व करूँगा अगेन ऐसे ही, तो इसने कह दिया मेरी डोमेन क्या होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ डी वन डोमेन। ठीक है, तो ये कह रहा है मेरी फोर से इन्फिनिटी तक होनी चाहिए, इसको सोल्व करो, मैं कर देता हूँ बीच में लाइन। अगर देखो यहाँ क्या आएगा, मैं भी रूट के अंदर लिखा हुआ हूँ, मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और ओवरऑल फंक्शन भी क्या कहेगा, एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस फोर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ से तो आ गया ये आ गया। ठीक है, एक्स माइनस थ्री ये आ जाएगा, इस वन रूट वाली चीज़ को उधर लेगा, मैं स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ तो आ जाएगा ये नाइन माइनस सिक्स एक्स, माइनस टू का हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर, सेम चीज़ बन गई जो यहाँ थी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स और फोर एक्स माइनस फोर, तो ये अगेन मुझे क्या देगा, एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। अगेन ये सेम चीज़ बनी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू फोर थी और एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर था, तो अगर मैं इसको डी टू कहूँ इसकी डोमेन को, वो कितने आ जाएगी, फोर से इन्फिनिटी। देखो सेम चीज़ ही तो है, एक तो ये मेरी और ये आई है, यही चीज़ यहाँ पे थी, ये देखो ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये वाली और ये वाली, तो डी वन और डी टू का मैं अपनी डोमेन निकालने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी वन और डी टू का इंटरसेक्शन निकालो, डी वन इंटरसेक्शन डी टू सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ का इंटरसेक्शन से एक ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी डोमेन क्या आ जाएगी, फोर से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से जब भी दो तीन चार फंक्शन बनने हैं तो सबकी कॉमन डोमेन देखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये डोमेन रिलेशन फंक्शन का आखिरी वीडियो है, इससे इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए हमें आपको करना पड़ेगा कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, आपने टेंथ क्लास में पढ़ी होगी, वैसे बेसिक से मैं बताऊंगा ही। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।